कि हनुमान चालीसा में लिखा है चारों युग प्रताप तुम्हारा, यह कैसे संभव, क्योंकि हनुमान जी तो त्रेता युग में आए थे। शंका का समाधान करें। श्री कृष्ण भी द्वापर युग में आए थे, लेकिन द्वापर युग से पहले त्रेता सतयुग में भी श्री कृष्ण कथा, कृष्ण का यश। सतयुग में ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं राधा कृष्ण के पुष्कर राज्य में, ये ब्रह्म व्रत पुराण उठा के पढ़िए, सतयुग की बात कर रहा हूँ। इसी प्रकार आप कहेंगे राम जी तो त्रेता युग में हुए, लेकिन सतयुग में मनु और शत्रुपा ने, शंभु मनु और उनकी धर्मपत्नी शत्रुपा ने सीता राम की उपासना की और उनके सन्मुख सीता राम प्रकट हुए, उनसे वरदान मांगा, चाहिए तुम ही समान सुत। तब राम जी ने कहा कि त्रेता युग के अंत में तुम दशरथ कौशल्य के रूप में होंगे, मैं यही रूप तुम्हारे आगे पुत्र में प्रकट होगा। अब देखिए सतयुग में मनु शत्रुपा ने सीता राम की तपस्या की। अब ये नहीं कह सकते कि त्रेता युग के अंत में राम हुए, उससे पहले नहीं थे। परमात्मा सत हैं और जो सत है वो सदा रहता है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की उपासना ऋषि मुनियों ने द्वापर युग में की, त्रेता युग में भी की और सतयुग में भी की। अब देखिए हंस अवतार सतयुग में हुआ है, तो भगवान राधा माधव के मंत्र जो हम लोग जपते नहीं मार संप्रदाय में, तो ये मंत्र कहाँ से है? दोनों निकुंज शरणागति मंत्र और निकुंज मंत्री कहाँ से आया? तो सतयुग में यही राधा कृष्ण का मंत्र, निकुंज का मंत्र हंस भगवान अवतार लेकर संकादिकों को देते हैं, और संकादिकों ने देव ऋषि नारद जी को, देव ऋषि नारद जी ने यही दोनों मंत्र जो निमार संप्रदाय में चलता शरणागति और निकुंज का, ये दिया है श्री निम्बार्क भगवान को। निम्बार्क भगवान से फिर कलयुग में इसका विस्तार को प्राप्त हुआ ये मंत्र दोनों, ये निकुंज की उपासना। तो सतयुग में हंस भगवान राधा कृष्ण की भक्ति को उपदेश संकादिक ऋषियों को कर रहे हैं। इसलिए ये ना कहो जब श्री कृष्ण का अवतार नहीं हुआ था तब श्री राधा माधव की कथा भगवान शंकर ने प्रदान की थी, गर्गाचार्य जी ने ग्रंथ को लिखा। तो श्री कृष्ण अवतार से पहले श्री कृष्ण कथा संतों के पास आ चुकी है, तो राधा कृष्ण की उपासना तो सतयुग से चल रही है, सीताराम की उपासना सतयुग से चल रही है। इसलिए चारों युग प्रताप तुम्हारा, हनुमान जी भी चारों युगों में। और दूसरा समाधान हम ये भी देख सकते हैं वो ये, अब कलयुग चल रहा है, कलयुग के बाद फिर दोबारा सतयुग आएगा, तो और जो लोग हैं इनका नाम निशान मिट जाएगा, इनकी बातें इतिहास सब मिट जाएगा अगला जब सतयुग आएगा, लेकिन हनुमान जी उस सतयुग में भी उनका इतिहास, उनकी कथा रहेगी। ये है चारों युग सतयुग, ये तो फिर भी तो सतयुग आएगा, फिर त्रेता आएगा, फिर द्वापर, फिर कलयुग, फिर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग बार बार आते रहेंगे, लेकिन और सब के नाम निशान मिट जाएंगे, लेकिन भगवान के और ध्रुव प्रहलाद आदि जैसे भक्तों से जो भगवान से जुड़ चुके हैं, तो अगले सृष्टि में भी, अगले सतयुग में भी उनका नाम रहेगा, उनकी कथाएं रहेंगी। तो हनुमान जी की कथा इस कलयुग के बाद जब दोबारा से सतयुग आएगा तब भी उस सतयुग में हनुमान जी की कथा रहेगी, हनुमान जी अपने भक्तों को दर्शन भी देंगे, तब सतयुग भी रहेंगे, त्रेता युग में भी। और एक सतयुग त्रेता द्वापर युग की बात नहीं कर रहा हूँ, हजारों सतयुग कलयुग आएंगे और चारों युगों में हनुमान जी की महिमा इसी प्रकार गान रहेगा। इसलिए कहा चारों युग प्रताप तुम्हारा।